आज देखिए सबसे बड़ी खबर तो यही कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सूबे के दो डिप्टी मुख्यमंत्री भी अब दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में आने के बाद बैठक होगी, मीटिंग होगी, कयास को का जो बाजार है वो भी गर्म हो गया है। क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए ये पंप एंड डंप की स्थिति बनती दिख रही है पूरे सोशल मीडिया पे, पूरी राजनीतिक बिसात पे, गलियारों में ये चर्चा लगातार बनी हुई है कि क्या उत्तर प्रदेश में कुछ परिवर्तन होने वाला है क्या, क्योंकि जो लगातार फीडबैक बीजेपी में जो सिस्टम चल रहा है, मुख्यमंत्री जो मुलाकातें कर रहे हैं उन मुलाकातों में दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं आते हैं, उप मुख्यमंत्री बैक टू बैक बीजेपी जाते हैं, तो लगातार जो माहौल है पूरा बनाने की कोशिश है कि कोई परिवर्तन होने वाला है क्या, उसको लेकर चर्चा है। लेकिन एक बाकायदा देश भर में बीजेपी के जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर बैठक होनी है, और उसी बैठक के सिलसिले में केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री भी अब से कुछ देर में दिल्ली जाने वाले हैं। क्या भविष्य में बीजेपी के राजनीतिक चिंतन रहेगा, हार की जो तमाम रिपोर्टें गई हैं उन रिपोर्टों के आधार पर क्या भविष्य की स्ट्रेटेजी तय की जाएगी, उसको लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। ये जानकारी यहां के सोर्सेस उत्तर प्रदेश की बीजेपी के हमको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर अखिलेश यादव को मौका मिला है और ये मौका लगभग 10 साल के बाद मिला है। लगातार उनकी पार्टी में फूट होती रही, परिवार की फूट होती रही, मंत्रियों की फूट, तमाम विधायक छोड़ छोड़ के जाते रहे, लेकिन अब बीजेपी में फूट की सुगबुगाहट का जो पूरा मौका है इस पे चौका मारते हुए अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। मौर्य ही मोहरा है ये कहते दिखाई दे रहे हैं, तो तमाम निशाने पर लेते हुए बीजेपी के इकोसिस्टम को अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए बयानबाजी का दौर भी यहां पर चला, लेकिन सभी की निगाहें अब कहीं ना कहीं दिल्ली पर टिकती हुई अजय नजर आ रही। अपडेट आपसे लेते रहेंगे, फिलहाल साथ जुड़ने के लिए यहां पर शुक्रिया। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, कानपुर से जहां पर टुकड़े बरामद किए गए, बड़ी जानकारी दे रहे हैं, मेडवा गांव के पास सड़क पर ये नोट के टुकड़े मिले हैं। आरबीआई और इनकम टैक्स को जानकारी दे दी गई है, रॉयल पुलिस नोटों के टुकड़ों को कब्जे में ले चुकी है। आपको बता दें कि कानपुर में ये नए नोट के टुकड़े बरामद किए गए हैं, आरबीआई इनकम टैक्स को भी जानकारी दी गई है। और देखिए पूरा किस तरीके से ये नए नोट जिन्हें पूरे टुकड़ों में काट दिया गया है पूरा, और बड़ी मात्रा में ये ढेर के शक्ल में जो है बरामद किए गए हैं नोट के टुकड़े, और किसने इन नोट के टुकड़ों को यहां पर जो है फेंका है इसकी भी जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है, आरबीआई को और साथ ही इनकम टैक्स को भी इसकी जानकारी यहां पर दी गई है। यानी पूरे नोट के टुकड़े वो भी इतने छोटे इन्हें काटा गया है, बिल्कुल बारीक इनको बनाकर कचरे के ढेर की तरह फेंक दिया गया है। और जैसे इसकी जानकारी यहां पर मिली, मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, आपको जो पूरा ये ढेर नजर आ रहा है जिसे देखकर कोई बता नहीं सकता है कि ये नोट के टुकड़े, इन्हें इतना बारीक पूरी तरीके से काट दिया गया जिससे पूरी तरह कचरे में ये पूरी तरह मिक्स हो जाएं। और इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली है, पुलिस ने इस नोट के टुकड़ों को अपने कब्जे में लिया है, आरबीआई को इसकी जानकारी दी गई है, इनकम टैक्स को इसकी जानकारी यहां पर दे दी गई है, क्या नोटों को डंप करने के लिए यहां पर इन्हें फेंका गया और इसके पीछे क्या मंशा है ये भी एक बड़ा सवाल है। लोग जो वहां पर हैं वो कैसे हाथों में उठाकर इन्हें देखते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। गौरव मेरे सहयोगी खबर पर जानकारी के साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। गौरव, क्या जानकारी मिल रही है, कैसे ये नोट यहां पर पहुंचे हैं और फिलहाल इस पर क्या कार्रवाई हो रही है? फोन में देखो यार तुम। गौरव आवाज आ रही है आपको? चलिए गौरव को एक बार फिर से यहां पर जोड़िए, हम गौरव के पास चलेंगे, आवाज नहीं आ रही है उनको। लेकिन आपको बताएं कि यहां पूरे कचरे के ढेर की तरह बनाकर इस नोट के टुकड़ों को यहां पर फेंका गया है। बड़ी बात यह है कि ये नए नोट हैं जिन्हें इतना बारीक करकर टुकड़ा टुकड़े करकर यहां सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है। अब पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। तो देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल पर पहुंचे, करगिल द्रास पर पहुंचने के बाद वहां शहीदों को नमन किया, श्रद्धांजलि दी। और उसके बाद आपको बता दें सीधे तौर पर हमने वो तस्वीर भी देखी जब पीएम मोदी नम आंखों के साथ उन शहीदों को याद करते हुए वहां मौजूद सैन्य कर्मियों को संबोधित कर रहे थे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें पीएम मोदी ने अग्निपथ योजना पर, अग्निवीर योजना पर विपक्ष को करारा जवाब दिया और वहीं पर आतंकवाद को लेकर भी पाकिस्तान को क्लियर संदेश दे दिया है। आखिर क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ। पीएम मोदी ने लद्दाख से जंग के नायकों को दी श्रद्धांजलि। प्राणों की आहुति देने वाले बहादुरों को किया याद। प्रधानमंत्री मोदी आज शौर्य और वीरता की कहानी के लिए कारगिल पहुंचे, जहां उन्होंने कारगिल की लड़ाई में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंचकर सैल्यूट किया और कहा कि हमने सिर्फ युद्ध नहीं जीता था, बल्कि सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। बहादुर नायकों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने लाउड एंड क्लियर अग्निपथ योजना पर भी मोहर लगा दी। देश में भ्रम फैलाने वाले विपक्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रहार करते हुए सवाल किया और पूछा कि सेना के रिफॉर्म पर सियासत क्यों हो रही है। इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद के खिलाफ भी जमकर गरजे। लाउड एंड क्लियर शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के आकाओं को साफ बता दिया कि उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। हमारे जवान आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देंगे। उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दिया और कहा कि पाकिस्तान ने अपने अतीत से कुछ नहीं सीखा। पाकिस्तान आतंकवाद से खुद को प्रासंगिक बनाए रखने का काम करता है। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। एक तरफ तो जवानों को श्रद्धांजलि, तो दूसरी तरफ आतंकवाद के आकाओं को चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अंदाज से साफ कर दिया कि जो भी देश को जरा भी हिलाने की कोशिश करेगा वो ज्यादा दिनों तक जवानों की गोलियों से नहीं बच पाएगा। भारत माता की, भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।